अधीर रंजन जी, रक्षा मंत्री जी ने आपको स्पष्ट कर दिया विषय पर कि हम कोई भी चीज पर समझौता न करते हैं न करेंगे। यदि यहां पर भले ही इनकी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, यदि देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न रहता तो हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से साथ खड़ी रही है और आगे भी वह खड़ी रहती। इस तरीके से इस पार्लियामेंट के फोरम पर अपने देश को बदनाम करना, इसका कोई औचित्य नहीं है अध्यक्ष महोदय। इनकी इस अप्रोच को मैं कंडम करता हूं। देश की रक्षा के लिए सर एक कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ा है। आप निश्चित रहिए, आप सब लड़ते जाइए। आप लड़ते नहीं इसीलिए हम आपको जिक्र करते, लड़ते नहीं हो। आपको लगता है डरपोक होते जा रहे हैं इसलिए हमें चिंता हो रहे हैं। आप लड़ते जाओ, मैं नहीं सारे देश आपके साथ खड़ा होंगे। आप ना कर नहीं सकते। आज मालदीप में चाइना रिसर्च शिप पहुंचाए, आज मालदीप में। अब बताइए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे बंद हो चुके हैं, हमारा फौज को वापस के लिए हुक्म दिया गए हैं, और इंडिया आउट के नारा पर एक देश में चुनाव होते हैं जो हमारी देश से सिर्फ 70 नॉटिकल किलोमीटर दूर में है। आप चुप क्यों बैठे थे? क्यों आप चुप बैठे थे? क्यों भूटान के साथ चीन का रिश्ता बढ़ रहे हैं?